जहां एक तरफ पूरा देश दो वर्षों से कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में, जिससे मंदिरों के पट बंद थे, भक्त सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ के जल नहीं चढ़ा सके, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज पूरे देश में वैश्विक महामारी में कमी हुई है, जिससे भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने निकल पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि अंबिकापुर शंकर घाट से हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी कावन में जल भरकर कैलाश गुफा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने 80 किलोमीटर से ऊपर की दूरी पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। तो वहीं भोलेनाथ के भक्तों के लिए खानपान की व्यवस्था श्रद्धालुओं द्वारा पूरे रास्ते पर की गई है। तो वहीं आधी दूरी तय कर जब कांवरियों का जत्था बतौली क्षेत्र में पहुंचा, तो वहां श्रद्धालुओं के लिए रुकने एवं भोजन का प्रबंध किया गया है। पूरे रास्ते शिव भक्त नाचते गाते आनंद मनाते अपने भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी कांवरियों के लिए रात्रि में विश्राम की व्यवस्था की गई है, साथ ही कांवरियों के मनोरंजन के लिए जागरण की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रोड पर चलने वाली ट्रक को पहले ही रुकवा दिया। कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन की टीम लगातार मौके पर बनी हुई है। सीतापुर से भवानी सिंह की रिपोर्ट। खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बस आप समझ सकते हैं कि दो साल बाद बाबा को ये कांवर लेके जा रहे हैं, तो ये मेरी ही बात नहीं है, जितने कांवर भाई हैं, जितनी बहने हैं, उन सबका यही है कि हम बहुत दो साल बाद जा रहे हैं और बाबा के पास मिलने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है सबके मन में और सब बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जा रहे हैं। जब कोरोना का समय था, बाबा को अभिषेक नहीं कर पा रहे थे, कैसा लग रहा था? देखिए, ये बात तो मैं ये बोलूंगी कि जब कोविड का टाइम था तो उस समय देखिए सेफ्टी का तो सबका रखना था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटक रहती थी कि जो मस्ती हम करते थे सावन के महीने में, जब कैलाश को फजाते थे, जो पैदल चल के जाते थे, चाहे गाड़ियों में जाते थे और जाके बाबा को जल चढ़ाते थे, तो उसको तो मिस कर रहे थे हम, और अभी तक मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कैलाश गुफा पहुंचे नहीं है। बस ये इंतजार ही कल कब का, मतलब रात कैसे हो और हम कैसे पहुंचे और बाबा को जल चढ़ाए।